हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो लेक्चर में देखिए, हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास को डिस्कस करने वाले हैं एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को भी डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को आपस में रिलेट भी करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे अटेंड कर लीजिए, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को। ठीक है, देन आफ्टर ये आपका उसी सिक्वेंस का सेकेंड वीडियो लेक्चर है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास की बात करता हूँ। तो अगर मैं किसी भी एटम के वन मोल के मास की बात करूं तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ऐसे ही मैं किसी भी मॉलिक्यूल के अगर एक मोल के मास की बात करूं तो वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। ठीक है, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। सिमिलरली देखिए, अगर मैं किसके लिए बात करूं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए बात करूं, तो जो उसके एक मोल का मास है वो उसके, ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होता है। ठीक है, ग्राम फॉर्मूला मास, आयनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास की जगह पे उसका फॉर्मूला मास बोलते हैं, बात सेम होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले फॉर एटम्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉर एटम्स, तो जो वन मोल होता है वो उसके कितने मास के इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास सपोज करिए वन मोल ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम, तो वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम, जो कि उसका ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, सिमिलरली देखिए, मैं बात करूं वन मोल कार्बन एटम की अगर मैं बात करता हूं तो वो किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के इक्वल होगा, जो कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है। ऐसे मैं बात करूं वन मोल हाइड्रोजन एटम की तो वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम के इक्वल होगा, जो कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास है। तो एटम के लिए उसका वन मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे देखिए फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए आप बात करें, एटम्स की जगह पे हमने मॉलिक्यूल्स को लिया है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए देखिए, जो वन मोल इक्वल होता है वो वन मोल इक्वल होता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। ठीक है, जैसे वहां ग्राम एटॉमिक मास लिया है, वैसे यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको लेना होगा। जैसे मैं बात करूं वन मोल मेरे पास सपोज करिए मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका टोटल मास क्या होगा ग्राम में? कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन, टोटल 16 है ना, तो क्या हो जाएगा? 16 ग्राम के इक्वल होगा। सिमिलरली देखिए, मैं बात करूं वन मोल CO2 की तो इसका टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा? 16 × 2 = 32, 32 + 12 = 44 ग्राम के इक्वल होगा। क्लियर है? ऐसे ही मैं देखिए बात करूं वन मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की तो इसका ओवरऑल ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन 64, टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 + 32 + 2 मतलब 98 ग्राम के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? इसी को देखिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलें, या शॉर्ट में हम इसको मोलर मास भी बोल देते हैं। वन मोल का जो मास होता है वही क्या कहा जाता है? मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, तो वन मोल किसी भी कंपाउंड का अगर हमें लेना है मास के टर्म में तो वो किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ओके, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल, मॉलिक्यूल के लिए उस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर लो ग्राम में, तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा।
क्लियर है। ऐसे ही देखिए, अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो पहले के टाइम में फॉर्मूला मास बहुत फेमस था, अभी तो हम सबके लिए एक तरीके से मोलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए, कोवेलेंट के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे हैं, वैसे आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम ग्राम फॉर्मूला मास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में, फॉर आयनिक कंपाउंड्स, जो वन मोल होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, फॉर्मूला मास के इक्वल होगा। बात वही है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं वैसे वहां फॉर्मूला मास, उस फॉर्मूले का मास निकालेंगे। जैसे मैं बात करूं वन मोल NaCl की, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है ना, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का 35.5, ओवरऑल कितना हो जाता है 58.5 ग्राम के, इसका इक्वल होगा वन मोल। क्लियर है। ऐसे ही मैं बात करूं देखिए वन मोल KCl की, पोटेशियम क्लोराइड, तो कितना हो जाएगा, पोटेशियम कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन कितना है 35.5, ओवरऑल कितना हो जाएगा 0.59514336177.5 ग्राम के इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं। ये भी एक तरीके से मैं बोलूं तो एक मोल का मास है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ही होता है अपने मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही आयनिक कंपाउंड के लिए ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये हमारा हो जाता है मोल इन टर्म्स ऑफ मास, फॉर एटम्स, फॉर मॉलिक्यूल्स, फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अब हमें एक से ज्यादा मोल दिए हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक अगर सोचिए, सपोज करिए हमसे कहता है 2 मोल मीथेन, तो क्या करेंगे भाई, 2 × 16 32 ग्राम हो जाएगा। हमसे बोलता है 10 मोल मीथेन, तो 10 × 16 160 हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, हमसे बोलता है 0.1 मोल मीथेन, तो कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम मीथेन हो जाएगा। तो जो भी मोल फर्दर देता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मोल से क्या निकल जाएगा, टोटल उस कंपाउंड का मास कैलकुलेट होके आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए, हम दोनों तरफ से चलने वाले हैं, जैसे नंबर में दोनों तरफ से हम चले थे, वैसे ही मास में भी मोल दिया होगा मास कैलकुलेट करना, या मास दिया है तो उल्टा वापस से मोल को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं मोल टू मास, फिर करेंगे मास टू मोल। ओके, तो चलिए फिर सबसे पहले हम कर रहे हैं मोल टू मास के कुछ एग्जांपल्स सिंपल से। लाइक सपोज करिए हमें दिया हुआ है 0.001 मोल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका पूछ रहा है मास कितना होगा। ठीक है, तो भाई मास को हमें कैलकुलेट करना है, मोल कितना लिया है हमने 0.001, और एक मोल का मास सल्फ्यूरिक एसिड का अभी अभी पीछे कैलकुलेट किया हमने कितना 98। ठीक है, तो ओवरऑल जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दिस मच ग्राम, है ना, या बोलो तो 0.098 ग्राम। ठीक है, या देखिए अगर मिलीग्राम में लिखना है आपको तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अगर वैल्यू बहुत छोटी है ग्राम में तो मिलीग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1000 मिलीग्राम हो जाएगा 1 ग्राम में। ओके, क्लियर है, बराबर। तो चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल चलते हैं। हमारे पास सपोज करिए दिया हुआ है 10 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ठीक है, तो इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, तो फिर से देखिए हमारे भाई एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, 3 ऑक्सीजन 48, ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 100। तो ये तो एक मोल का मास हो गया, हमारे पास कितने हैं 10 मोल्स हैं, तो टोटल मास अगर हमसे पूछता है तो मोल कितने हैं 10, एक मोल का मोलर मास कितना है 100, ओवरऑल मास कितना हो गया ओवरऑल 1000, है ना, 1000 ग्राम। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप मोल से मास को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, एक मोल का मास निकाल लीजिए, मोलर मास निकाल लीजिए, जितने मोल दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसका उल्टा करना है, अब सपोज करिए मास दिया है मोल निकालना है,
तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी मोलर मास होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमारा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा कि भाई कितने हमारे पास मोल्स हैं। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलिए अब उल्टा करते हैं इसी का। हमें मास दिया होगा, सपोज करिए मोल कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं मास टू मोल। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए हमें दिया है 4.9 ग्राम H2SO4 है, इसका मोल कितना होगा। ठीक है, तो अब भाई मास दिया है, उल्टा मोल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, तो अब देखिए मोल कैलकुलेट करने के लिए जो भी मास लिया है, टोटल मास डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो मोलर मास है वो करेंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से मोल आएगा। जैसे अभी यहां पे टोटल मास कितना दिया था, 4.9 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का पीछे निकाला कितना है, 98। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 2 टाइम जाएगा, 1/20 हो सकता है कि नहीं, हमें पॉइंट हटा के नीचे जीरो बढ़ा लिया, 49 × 2 = 90, 1/20, या इसी को देखिए लिख सकते हैं भाई, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 10 से और डिवाइड करते हैं, 0.05 मोल्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा रिवर्स भी आ सकते हैं, अगर हमें टोटल मास दिया है कंपाउंड का, उसके मोलर मास से या उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से बोले तो डिवाइड कर दीजिए, और हमें क्या मिल जाएगा, वहां से उल्टा मोल मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल टू, सपोज करिए हमारे पास है 50 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मिलीग्राम में दिया है, तो इसको ग्राम में लिख लीजिए, 50 × कितना हुआ, मिली में 10^-3 ग्राम होता है, मास है ये हमारा, और इसका मोलर मास कितना होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, ये भी पीछे अभी तुरंत निकाला, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 3 ऑक्सीजन का 100 इसका मोलर मास है। तो फिर से हमें मोल कैलकुलेट करना है, तो टोटल मास लिया, मास अब ग्राम में ही लेंगे ना, अगर मोलर मास ग्राम से डिवाइड करना है तो, ठीक है, तो ये मिलीग्राम था इसलिए मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 50, ये ऊपर जाएगा 10^-2, ये भी हो जाएगा 10^-3, ये था 50 × 10^-5। क्लियर है? या लिख लो तो 5 × 10^-4, ये इसके मोल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से मिलीग्राम वगैरह हो तो वो भी ध्यान में रखना है कि मैं मिलीग्राम में तो पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मोलर मास से डिवाइड किया। ओके, तो आई होप आप अब समझ गए होंगे मोल से मास को कैलकुलेट करना या मास से मोल को कैलकुलेट करना। चलिए अब चलते हैं हम वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये हमारा तीसरा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम की बात यहां पे किसके लिए करते हैं, हम गैसेस के लिए करते हैं, है ना, सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो भाई अगर हमें सपोज करिए वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसकी डेंसिटी पता हो, उसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो वहां से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बट यहां पे हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पे गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस का जो मास, जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर प्रेशर पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन में देखिए कहता क्या है, एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि नॉर्मली होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर एंड 1 atm का अप्रोक्सीमेटली प्रेशर होता है, तो एट NTP फॉर एनी गैस जो उसका 1 मोल है वो अक्यूपाई करता है 22.4 लीटर को। ठीक है, फॉर एनी गैस, ध्यान दीजिएगा, गैस कोई भी हो, अगर मैंने उसको NTP कंडीशन पे लिया हुआ है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में 0 डिग्री सेल्सियस, 1 atm के प्रेशर पे, ठीक है, तो उसका जो 1 मोल होगा किसी भी गैस का, चाहे 1 मोल O2 ले लूं, 1 मोल N2 ले लूं, ठीक है, कितना अक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर अक्यूपाई करता है, या मिलीलीटर में बोलूं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
22,400 मिलीलीटर अक्यूपाई करेगा फॉर एनी गैस। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं कि भाई एनटीपी कंडीशन पे 1 मोल H2 लिया है या 1 मोल O2 लिया हुआ है या 1 मोल मीथेन ही ले लिया, छोटा मॉलिक्यूल लूं बड़ा मॉलिक्यूल लूं, ये सब एनटीपी कंडीशन पे कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं गिवन कंडीशन भाई एट एनटीपी। ये ध्यान रखिएगा एट एनटीपी, क्योंकि जो गैस का वॉल्यूम है वो प्रेशर टेम्परेचर के साथ बहुत तेजी से वैरी करता है ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है, बात समझ रहे हैं? तो ये एनटीपी कंडीशन पे है कि फॉर एनी गैस 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। अब फिर देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर वापस से उल्टा वॉल्यूम से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहले मोल टू वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम टू मोल। ठीक है, तो पहले देखिए हम करते हैं सबसे पहले मोल टू वॉल्यूम। जैसे हमें दिया है सपोज करिए एग्जांपल के लिए कि हमारे पास 10 मोल O2 गैस है एट एनटीपी, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अब सिंपल सा देखिए, 10 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, एनटीपी कंडीशन दी हुई है ना, तो 10 मोल का वॉल्यूम 10 × 22.4 लीटर, बात समझ रहे हैं, 224 लीटर ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे मोल तो कुछ भी दे सकता है, फ्रैक्शन में भी मोल दे सकता है। सपोज करिए बोला 0.001 मोल, ठीक है, N2 गैस एट एनटीपी, इसका कितना होगा वॉल्यूम। ठीक है, फिर से मोल से वॉल्यूम पूछा, तो फिर से हमने वॉल्यूम निकाला। इस बार मोल कितना था, 10^-3 था, है ना, 10^-3 इंटू, या ऐसे ही लिख लेते हैं, 0.001 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 बार पॉइंट पीछे खींचूंगा, 0.0224 लीटर ये आ जाएगा। या भाई आंसर अगर लीटर में ज्यादा छोटा लग रहा है तो उसको मिलीलीटर में बदल लीजिए, मिलीलीटर में कितना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 क्या लिख सकते हैं, मिलीलीटर, ध्यान दीजिएगा मिलीलीटर में। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इजिली वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो याद रखना है आपको कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना था, 22.4 लीटर था। ओके, क्लियर। अब इसी का देखिए उल्टा करना है हमें, रिवर्स करना है, वॉल्यूम दिया हो मोल निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम टू मोल कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे भाई, टोटल वॉल्यूम लेंगे और उल्टा रिवर्स में फिर किससे डिवाइड कर देंगे। अगर टोटल वॉल्यूम लीटर में लिया है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, अगर टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो 22,400 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो भाई क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, मोल को कैलकुलेट करने के लिए टोटल वॉल्यूम लीटर में अगर लिया हुआ है, ठीक है, लीटर में लिया है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, और अगर हमने भाई टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है, सपोज करिए टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है तो किससे डिवाइड कर दीजिए, 22,400 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका मोल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, हमने लिया है सपोज करिए 112 लीटर CO2 गैस एट एनटीपी। ठीक है, तो उसका हमसे पूछ रहा है कि मोल कितना होगा। तो देखिए मोल कैलकुलेट करना है, टोटल वॉल्यूम लिया, अब देखिए लीटर में दिया है तो किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए 1120 डिवाइड बाई 224, अब देखिए ये 10 छोड़ दीजिए, क्या 1122 224 हो जाएगा, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, है ना, तो ये हो जाएगा 5 मोल आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं?
तो लीटर में दिया है तो 22.4 से। सिमिलरली अगर मिलीलीटर में दिया होता, सपोज करिए मिलीलीटर में दिया होता इस तरीके से, एग्जांपल टू देख लीजिए, ठीक है, हमें देता कि 1120 मिलीलीटर N2 गैस है एट NTP, तो इसका मोल कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, मिलीलीटर में दिया है तो टोटल वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखा, डिवाइड किया 22,400 से, ये मोल आ गया, है ना। यहाँ पे भी देखिए डिवाइड कर दीजिए, एक तो जीरो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना, और कितना हो गया ये 2 टाइम, और ये 20 मतलब 2 क्या आ गया 0, तो कितना आ जाएगा भाई 0.05 दिस मच मोल। बात समझ गए, तो ये देखिए आप किस तरीके से इजिली कन्वर्जन कर सकते हैं। मोल टू नंबर हमने सीख ही लिया था, मोल टू मास भी सीख लिया, मोल टू वॉल्यूम भी सीख लिया, या जस्ट इनके रिवर्स भी सीख लिया, भाई जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी चीज से डिवाइड कर दीजिए तो उल्टा हमें मिल जाएगा। अब इन तीनों को देखिए ऐसे छोटे से डायग्राम में भी हम रिलेट कर सकते हैं, है ना। छोटा सा डायग्राम बना ले भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास और वॉल्यूम और मोल का, ठीक है। तो देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बीच में हमने लिख लिया यहाँ पे मोल, ठीक है, इधर मैंने लिख लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इधर मैंने लिख लिया वॉल्यूम, और नीचे लिख लिया मैंने मास, ओके। तो अब देखिए मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने थे तो हमने क्या कहा, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अवोगैड्रो नंबर वही 6.022 × 10²³, ठीक है। और वापस से नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालने थे तो हमने क्या कहा था, डिवाइड कर दीजिए उसी अवोगैड्रो नंबर से, निकल जाएगा। ऐसे देखिए मोल से हमने कहा मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास से, मोलर मास शॉर्ट में MM लिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा मोलर हमें मास दिया है, मोल निकालना है तो फिर डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, मोलर मास से, बात समझ रहे हैं। ऐसे देखिए हमने कहा मोल से वॉल्यूम निकालना है, अगर लीटर में सपोज करिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 से एट NTP, याद रखिएगा। और वापस वॉल्यूम से मोल निकालना है तो क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 22.4 से ही, लीटर में ही, नहीं तो मिली लीटर के लिए 22,400 वाला याद कर रखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इजिली मोल से कुछ भी कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोल से कुछ भी तो मल्टीप्लाई, कुछ भी से मोल तो डिवाइड, सीधा ऐसा, ठीक है। मोल से कुछ भी निकालना हो तो मल्टीप्लाई, कुछ भी से वापस मोल निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए इनके भी इंटर कन्वर्जन आ सकते हैं, भाई कोई गैस है उसका वॉल्यूम दे दिया हो, उसका मास पूछ ले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, या कोई कंपाउंड है उसका मास दे दिया हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, अगर वो गैस है तो उसका वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में भी इंटर कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सिंपल, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है हमसे, मास पूछ रहा है, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकाल सकते हैं, फिर मोल से मास निकाल सकते हैं, बीच में ये तो खड़ा है ना भाई, मोल तो है ना, तो मोल तो हमें आता है कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ पार्टिकल में अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल दीजिए, फिर मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दीजिए, मास निकाल दीजिए, हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल दिया होगा तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही देखिए मास दिया हो, वॉल्यूम निकालना हो तो पहले मास में मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल मिल जाएगा, फिर मोल में इंटू 22.4 कर दीजिए, वॉल्यूम मिल जाएगा। बात समझ गए होंगे अभी आप, है ना। तो ये इन सब के भी इंटर कन्वर्जन हम अब इजिली कर सकते हैं क्योंकि हमने तीनों टर्म्स यहाँ पे सीख लिए हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसमें से किसी को भी एक भी दिया हो तो बाकी दो निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और वो वॉल्यूम वाला फैक्टर ध्यान रखिएगा गैसेस के लिए, सॉलिड लिक्विड में नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में ये वॉल्यूम वाला फैक्टर नहीं लगाएंगे, वहां पे किस तरीके से हमारा वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, वहाँ डेंसिटी की हेल्प से करेंगे भाई, वो जैसे बचपन में करते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाला फैक्टर लगा के, ठीक है, क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, इस पे हम ये जो इंटर कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।